दादी कहाँ है? दादी वहां क्या कर रही है? आप नाराज है क्या हमसे? बड़ी दादी दादी करती फिरती है, एक बार भी ख्याल नहीं किया कि तेरे चले जाने के बाद मेरा क्या होगा। अरे मरने के लिए छोड़ देती ना मुझे वही के भाई, क्यों बचाया मुझे? मेरी जिंदगी तो वैसे पूरी हो ही गई है ना, तो फिर तू दादी को बचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी खत्म करने जा रही थी? एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो। है तैयार हूँ एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे से लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो। तैयार हूँ तैयार बस यही तो किया था थी। और फिर आप ही बताइए हम कैसे आपको अपने परिवार को मुश्किल में छोड़ देते हैं। और फिर दादी सच्चा दोस्त तो वही होता है ना जो मुश्किल से मुश्किल घड़ी में साथ दे। और ऐसी सीरियस सिचुएशन में गाना भी सिर्फ गुड नहीं गा सकती है, और सबसे गवा भी सकती है। यही कहना चाह रहे थे ना, अब मैं ना अपने दोस्त को बखूबी जानते हैं, सब समझते हैं आपके मन में क्या चल रहा है। एक बात कहें आपको, आपके जमाने के गाने ना सच में बहुत अच्छे थे। बिल्कुल सही कह रही है गुड्डन। एजे इतने बदले बदले से क्यों लग रहे हैं? कुछ तो चक्कर है। दुर्गादी आप देख रही है ना उस गुड्डन का नया तमाशा, मतलब पहले तो वो प्यारी प्यारी बातें करके पूरे परिवार को फंसाती थी, और अब वो गाना गा रही है, गाना गाकर पूरे परिवार को बेवकूफ बना रही है। वाह, किस्मत हो तो उस गुड्डन के जैसे। 1760 कांड हो जाती है लड़की के साथ, पर फिर भी अपनी जान बचाकर वापस आ जाती है। इसमें कौन सी नई बात है सर? गुड्डन ने तो हमेशा अपनी बकवास एक्टिंग से इस परिवार के लोगों को अपने प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश की, पर अब तो एजे भी। एजे? एजे क्या दुर्गादी, अब क्या पता नहीं सर, आज एजे कुछ कुछ अलग अलग से लग रहे थे। उनका ऐसा बर्ताव कभी देखा है तुमने? गुड्डन के लिए वो पागलपन, वो लाचारी, गुड्डन को बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। एजे को इतना मजबूर कमजोर कभी देखा है तुमने? और गुड्डन जब वापस आई तब ऐसा लगा जैसे गुड्डन की जान नहीं एजे की जान वापस आई हो। दुर्गादी प्लीज ऐसा मत बोलिए, मुझे तो उस गुड्डन से बहुत डर लग रहा है। डर तो मुझे भी लग रहा है, पर उस गुड्डन से नहीं, एजे से। अगर एजे गुड्डन के प्यार के जाल में फंस गए ना, तो गुड्डन को इस घर से निकालना नामुमकिन हो जाएगा सर, क्योंकि
एक सास से बहू से लड़ सकते हैं हम, पर प्यार के रिश्ते को तोड़ना हराना बहुत मुश्किल है। एजे और गुड्डन की प्रेम कहानी हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है सरू, और अगर इस खतरे को नहीं टाला ना तो हमारी जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी सरू। बिल्कुल सही कह रही थी, ये जी तो गुड्डन को ऐसे देख रहे हैं जैसे मछली जाल में फंस चुकी है। हम तो मुझे भी लग रहा है कि इनकी आंखें 2 से 4 हो गई हैं। हम करेंगे क्या? मैं भी आया। सुप
जैसे मिल रहा हो कोई जायका, काफिराना सा है इश्क है यार क्या है, ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो जैसे मिल रही हो इत्र से हवा, काफिराना सा है इश्क है यार क्या है, हमें कुछ करने ही नहीं दे रहे हैं। हम कुछ भी करने जाते हैं पहले ही झट से कर देते हैं। हम ठीक हैं, पैसे हमारी आदत मत बिगाड़िए। गुड्डन, मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे डॉक्टर ने करने को कहा है। देखो तुम समझदार हो लेकिन एक डॉक्टर से ज्यादा नहीं, इसीलिए अपना दिमाग लगाना बंद करो और मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा ही करो। और आप सारे काम ऐसे अकेले कब तक करेंगे? जब तक मुझे जरूरी लगेगा तब तक करूंगा। और ये जरूरत कब पूरी होगी? जब तक मैं डिसाइड नहीं कर लेता कि तुम एकदम परफेक्टली फाइन हो। हाँ पर गुड्डन, तुम क्यों इतनी टेंशन ले रही हो? ऐसा कौन सा काम है जो मैं अकेले नहीं कर सकता बोलो। अच्छा तो मतलब अगर हम कुछ भी कहेंगे तो आप करेंगे? बिल्कुल करूंगा, तुम बोल के तो देखो। कुछ भी? हाँ कुछ भी। वो क्या है ना, हमारे पैर में बहुत तेज है ना दर्द। ये तो अरे रे रे रे, ये क्या कर रहे हैं आप? थोड़ी अरे गुड्डन, थोड़ी है ना, हम तो मजाक कर रहे थे। आप हमारे पति हैं, आप हमारे पैर दबाएंगे क्या? तो क्या फर्क पड़ता है गुड्डन, कौन कहता है कि एक पति अपने पत्नी के पैर नहीं दबा सकता? नहीं दबा सकता छोड़े। और एक पत्नी अपने पति के पैर दबा सकती है? हाँ हाँ। ये क्या बेकार की बात हुई गुड्डन, ये बिल्कुल सही बात है। और आप छोड़े, आप ऐसे हमारे पैर में दबाए हमें ऐसे अच्छा नहीं लग रहा। और वैसे भी हम बीमार है ना, हमारी सारी बात मानी जाएगी तो नहीं। जिद्दी पर नहीं गया ना तुम्हारा नहीं। गुड्डन तुमने मेरे लिए इस परिवार के लिए क्या कुछ नहीं किया। आज अगर सब लोग सेफ हैं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। हमने क्या किया? तुमने अपनी जान तक दे दी इस परिवार के लिए गुड्डन, पर बदले में कभी कुछ नहीं मांगा। इसलिए आज अगर एक पति होने के नाते, एक अच्छा दोस्त होने के नाते मैं अपने पत्नी के पैर दबा भी देता हूँ तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? लाओ पैर दो। नहीं जिंदे साहब, पैर दो मैंने बोला। देखिए जिंदे साहब छोड़ दीजिए आप। और वैसे भी एक तो आप हमारे पति हैं और ऊपर से हमसे सीनियर भी हैं, और हमें ऐसे अच्छा नहीं लग रहा आपने सीनियर से ऐसे काम करा तो। एक मिनट, पहली बात मैं कोई तुमसे इतना भी सीनियर नहीं हूँ। तुम तो ऐसे बात करते हो जैसे कि डायनासोर के जमाने से चलता हुआ आ रहा हूं मैं। और दूसरी बात, ऐसी कौन सी दखियानूसी किताब में तुमने पढ़ा है कि एक पति अपनी पत्नी की सेवा नहीं कर सकता? तुम्हारी ना यही बेकार की बातें सुन के मुझे लगता है कि तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो गुड्डन। अब चुपचाप मसाज इंजॉय करो एंड ट्राई टू रिलैक्स। पर सिद्धि आओ ना, वहां क्यों खड़ी? मैंने गुड्डन जी के लिए ये थोड़ी सी खिचड़ी बनाई है। इसकी जरूरत नहीं थी सिद्धि, मैं कर लेता। आपने तो इतना सब कुछ किया है, सोचा थोड़ी सी आपकी मदद कर दूं। और वैसे भी ये खिचड़ी सब डॉक्टर ने जैसा कहा था बिल्कुल वैसी है, आप निश्चिंत होकर इनको खिला सकते हैं। थैंक यू। श-
सिद्धि जी इतनी परेशान क्यों लग रही थी? क्या बात हो सकती है? सिद्धि जी आप ये क्या कर रही हैं? आप गुड्डन जी आप क्यों आए यहाँ पे? बैठिए। पर आप ये बैग्स क्यों पैक कर रही हैं? सिद्धि जी सबसे पहले तो रोना बंद कीजिए। इधर बैठिए। सिद्धि जी हम आपकी तकलीफ समझते हैं। हम जानते हैं सिद्धि जी कि एक पत्नी के लिए एक पति को खोने का दुख कितना गहरा होता है। खैर एक बात बताइए, यूं घर छोड़ के जाना किसी बात का हल होता है क्या? मुझे अपने पति को खोने का दुख नहीं है गुड्डन जी, मुझे रोना आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बदकिस्मती पे। एजे ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, अपनी छोटी बहू के भाई को और उसकी पत्नी को घर में रहने की जगह दी, इज्जत दी, मान सम्मान दिया और पर्व की नौकरी भी लगवाई, लेकिन बदले में उनको क्या दिया मेरे पति ने? गलती सिर्फ पर्व की ही नहीं है, गुनेगार मैं भी हूँ। मैं जानती हूँ कि ये कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन सच्चाई तो यही है ना कि मैंने उन्हें ये सब कुछ अगर पहले बता दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। पर्व को उसके किए की सजा तो मिलेगी ही, लेकिन मैं भी इस घर में रहने की और आप सबके प्यार की हकदार नहीं हूँ गुड्डन जी। सिद्धि जी क्यों नहीं है? बिल्कुल हकदार हैं। आपने पर्व के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत की है, इस पूरे परिवार के सामने खड़े होकर अपने पति के खिलाफ बोलने की हिम्मत की है, ये कोई छोटी बात नहीं है सिद्धि जी। आप चाहती तो अपने पति को बचा सकती थी, मगर आपने सच का साथ दिया। ये घर जितना बाकी सबका है ना उतना ही आपका भी है, तो आप क्यों जाएंगे कहीं? और अगर आप हमें या जिंदल साहब को अपना मानती है ना तो आप कहीं नहीं जाएंगे। वादा कीजिए हमसे, हमारे साथ रहेंगे, कीजिए ना वादा। वादा मैं कहीं नहीं जाऊंगी। गुड्डन जी मैं आपको मान गई, इतनी कम उम्र में इतनी समझदारी की बात कर जाती हैं आप। रिश्ते निभाना तो कोई आपसे सीखे। गलत कहते हैं लोग कि गुड्डन तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। देखा हम गाकर भी समझा देते हैं। तुम टोस्ट लोगी या तुम्हारे फेवरेट पराठे? हमारे लिए पराठे बने? हाँ हाँ सासुमा, एजे ने खासकर आपके लिए बनवाए आलू पराठे। अरे वाह, अभी तक तो पूरा इंदौर जानता है गुड्डन जिंदल जी को आलू के पराठे कितने पसंद है। अब ये पराठे जल्दी से खत्म करो, उसके बाद तुम्हें ये दूध पीना है। नहीं 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 नहीं, डॉक्टर ने कहा है तुम्हारी सेहत का स्पेशल ध्यान रखना है, इसीलिए इन पराठों के साथ दूध। नहीं नहीं नहीं, दूध हम नहीं पी पाएंगे। और फिर पराठे तो हम शौक से खाते हैं ना, हमें अच्छे लगते हैं। और वैसे भी दूध तो बिल्ली पीती है ना, शेरनी थोड़ी पीती है। हम पराठे खाएंगे। तो एक काम करते हैं, शेरनी तो आलू के पराठे भी नहीं खाती, वो तो मांस खाती है, जो कि हम अरेंज कर नहीं सकते। तो लक्ष्मी बहू एक काम करिए, आप वो सैंडविचेस पास करिए गुड्डन को। ये आलू के पराठे गुड्डन नहीं खाएंगे, ये कोई और खा। दीजिए दीजिए दीजिए, सॉरी सॉरी सॉरी। पक्का? अब वो खा लेंगे और दूध भी पी लेंगे। गुड गुड,
बड़ा परवान चढ़ रहा है ना एजे का प्यार गुड्डन के लिए, मुझे इसको आगे बढ़ने से रोकना ही होगा।